तो दोस्तों अगर बैटिंग कंट्रोल का देख चुके हो मेरा पार्ट वन वाला वीडियो, तो ये लीजिए, ये है बॉलिंग कंट्रोल का वीडियो ड्रीम क्रिकेट 24 का। दोस्तों एक और बार बता दूं कि गेम जो है मेरे हाथ में आ चुका है, और ये देख लीजिएगा बैटिंग के साथ ये बॉलिंग कंट्रोल कैसे करना है। दोस्तों ये एक प्रो लेवल की गेम है, बॉलिंग भी आपको बहुत बढ़िया एंड संभाल के करना है। जी हाँ, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बॉलिंग का ट्यूटोरियल कैसे आपके सामने आ रहा है। बॉल को घुमाना है, कितना स्पिन होगा उस हिसाब से आपको बॉलिंग करना है। बॉलिंग कंट्रोल काफ़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, बॉल को स्विंग करना है, बॉल को कितना घुमाना है, स्टॉप करोगे जितना बॉल उतना ही ज्यादा घूमेगा, ठीक है। बॉल घूमते रहेगा, आपको स्टॉप करना है, जब स्टॉप करोगे जितना घूमेगा उतना बॉल स्विंग होगा या फिर उतना बॉल टर्न होगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड राइट साइड से बॉल को टर्न करना है, और उसी के चलते बॉल को स्टॉप करना है। तो जहाँ पे आप स्टॉप करोगे बॉल उतना घूमेगा। तो दोस्तों ये लीजिएगा बॉलिंग का जो ट्यूटोरियल है, ये था वो ट्यूटोरियल। अब चलते हैं थोड़ा सा इसका गेम प्ले के ऊपर। दोस्तों देख सकते हो ये है मिचेल स्टार्क, रियल, एकदम से रियल फोटो है, रियल फेस है सबका। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मेरे को कहा गया है कि 6 बॉल पे 6 डिफेंड करके दिखाओ। हरभजन सिंह आए हैं बॉलिंग पे, ग्राफिक्स और कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड प्रो लेवल जिसे कहते हैं उस हिसाब से दिया गया है। तो फास्ट बॉल यहाँ पर कितना पेस से डालना है बॉल को उस हिसाब से, अगर आप चाहते हो जूम करके दिखना है कि पिच में कहाँ पर टप्पा डालना है, आप जूम करके देखो कि कहाँ पर पिच में टप्पा डालना है। आप ये देखो बॉल घूम रहा है, तो जहाँ जितना घूमेगा उतना स्टॉप करोगे बॉल उतना टर्न होगा, ठीक है। और पेस आपके हिसाब से तय करना है कि कितना पेस देना है। तो ये डाला मैंने सही बॉल। और दोस्तों मैं सब कुछ पहले बैटिंग कंट्रोल वाला वीडियो में बता दिया हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि आपको बैट्समैन का माइंडसेट, बैट्समैन का स्किल, बैट्समैन का स्ट्रेंथ, बैट्समैन का मेंटली सब कुछ देख के आपको बॉल डालना है कि बैट्समैन का लेवल कैसा है, बैट्समैन का स्किल कैसा है, बैट्समैन भी उस हिसाब से आपको मारेगा, ठीक है। दोस्तों गेम कंट्रोल बहुत ही ज्यादा हार्ड है, गेम प्ले भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और इंटरनेशनल टीम क्विक मैच क्यों नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि गेम ये अभी आया है, हाल ही में आया है, सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, बस सपोर्ट की जरूरत है। एक प्रो लेवल की गेम आ चुका है फीफा 22 मोबाइल की तरह ही। दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हो 6 बॉल पे 6 डिफेंड करना था, मैं यहाँ पर 2 अच्छा बॉल डाल चुका हूँ। वैसे भी दोस्तों ये इजी मोड में गेम प्ले हो रहा है, धीरे धीरे करके जितना ज्यादा रैंक पूछोगा उतना ज्यादा गेम प्ले डिफिकल्ट होते जाएगा दोस्तों, लेवल अप के साथ साथ। में बता दो बार बार एक और चीज बता रहा हूँ दोस्तों, किसी दूसरे एंड्रॉइड क्रिकेट के गेम के साथ कंपैरिजन मत करना इस गेम को, क्योंकि आप ना जाने कोई और गेम के साथ हो सकता हो एडिक्टेड है, आपको कोई और गेम अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों इस गेम एक अलग गेम है, ये एक अलग फीचर से, ये एक यूनिक फीचर से। अगर आप लोग फीफा 22 मोबाइल गेम कभी खेलो अपना मोबाइल पे, तो उस हिसाब से इस गेम को जजमेंट करना, फिर आपको पता चलेगा इस गेम का क्वालिटी के बारे में, फिर आप समझ पाओगे। नहीं तो ये अपसेंटमेंट आपके ऊपर आ जाएगा कि भाई स्टेडियम तो ऑन नहीं है, या इंटरनेशनल मैच नहीं है, आईपीएल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब करते रहोगे लोग। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग कभी भी एक अच्छा गेम खेलो आपका एंड्रॉइड डिवाइस में, फीफा, पीएस या फिर एनबीए 2K22 जैसा, तो ही आपको ये गेम का समझ में आएगा क्वालिटी की कितना बढ़िया गेम है। बाकी इसका डाउनलोड कैसे करते हैं, आज रात के अंदर ट्राई करूंगा आप लोग सबके डिवाइस में गेम को चलाने की। और उसके बाद दोस्तों अगर आज रात के अंदर नहीं आ पाए तो कल सुबह के अंदर पक्का ला के दूंगा, अगर आज आ भी सकते हैं, अगर लेट नाइट आप लोग मेरे साथ जागोगे तो।